आप ऐसा करें, बशीर साहब को कह के हमारी टिकट्स करवा लें। क्या आप आजकल कुछ ज्यादा ही फोन पे मसरूफ नहीं रहने लगे? इस पे भी एतराज? बीवी हूं मैं, एतराज करना मेरा हक है। कल भी आप बाहर जाके कॉल्स कर रहे थे, मेरे सामने बात क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हर बात का बतंगड़ बन जाता है, इसलिए डिटेल्स नहीं शेयर करता। जानती हूँ मैं, पछता रहे ना आप अपनी प्रमोशन ऑफर रिजेक्ट करके। जी ठीक कहा आपने, मुझे लगता है उस ऑफर को मुझे रिकंसिडर करना चाहिए। क्या कहा आपने? इतरत मैंने फैसला कर लिया, मैं इस्लामाबाद ऑफिस ज्वाइन कर रहा शकीब चा, पानी पिला दीजिए एक गिलास। शकीब चा, ठीक है? शकीब चाचा घर पे नहीं है क्या? किसी काम से शायद बाहर गए हैं। आपके लिए खाना लगा दूं भैया? थोड़ी देर में खाएंगे। जी सबिया। जी भैया। बेटा माफ कर दो हमें भी, ना जाने जज्बात में आके क्या ऑल फॉल बक गया। भैया जाने दे, अब छोड़ भी दे उस बात को। बाकी शर्मिंदा है, तुम्हारे कितने एहसानात हैं इस घर पे। प्लीज भैया, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही। सब ये मन की वजह से परेशान थे। बेटा तुम जानती हो ना क्या सिचुएशन चल रही है उस घर में इस वक्त। आप प्लीज परेशान मत हो, वो लोग इतने बुरे नहीं है भैया, बस महज एक गलत फहमी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। आपने हमेशा मुझे बेटी समझा भैया, तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारे घर की बेटी को उसके ससुराल में बहुत इज्जत मिलेगी। जीती रहो, आबाद रहो। निगी, मेरे ख्याल से पत्ती खत्म हो गई है, मुझे बता दो किचन में कहाँ रखी है, मैंने चाय बनानी थी। आप अपने कमरे में जाए, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। नहीं, it's okay, नहीं मैं बना देती। एक बात तो बताओ, मैं तो एक घड़ी नहीं सोई सारी रात, तुम तो दिल भर के सोए हो और अब सुबह सुबह ही तुम्हें अपने खाने पीने की पड़ गई है, शोहर का जरा भी ख्याल नहीं है।
आपको क्या लगता है, मुझे मुराद का ख्याल नहीं है, सिर्फ आपको है? अच्छा जी, मुझसे मुकाबला लगाना चाहती हो, मुझे तुम अब ये जिताना चाहती हो कि मुझसे ज्यादा मेरे बेटे का तुम्हें ख्याल है? मुझे मुराद की फिक्र है, ये बात मुझे किसी को जताने की जरूरत नहीं है आंटी। मेरा और उसका ताल्लुक इतना कमजोर नहीं कि किसी की राय से उस पर कोई फर्क पड़े। कितनी लंबी जुबान है तुम्हारी, कोई अंदाजा है तुम्हें इस बात का कि नहीं? मैंने आपकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं की है। अम्मी, मुराद भाई आ गए। कहाँ चले गए थे भाई, हमें छूट कर? पहुंच गए हुए हैं मौका पर बीवी की हिमायत करने के लिए। मुझसे गलती होगी, मैंने आपका दिल दुखाया। मैं आपको बताए बगैर घर से चला गया था, मुझे माफ कर दें आप। अम्मी माफ कर दें ना, मैं कह रहा हूँ आप। नहीं मिल सकती है तुम्हें माफी, तुमने माँ का दिल नहीं दुखाया, तुमने माँ का दिल तोड़ ही दिया है उक्का मुक्का। अम्मी एक दफा प्लीज माफ कर दें, मैं नहीं तेरी सूरत देखना चाहती हूँ। बीवी के पैरों में पड़ जिसकी वजह से तू घर छोड़ के चला गया था, मैं नहीं लगती तेरी कुछ। ऐसा तो ना कहें आप। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी, इन्होंने तुम्हें माफ कर दिया ना, तो मैं तो कभी नहीं करूंगी। ये क्या बात हुई मुराद, जरा सी मुसीबत पड़ी और तुम बुजदिलों की तरह घर ही छोड़ के चले गए। अम्मी मुझे माफ कर दे, अगर आपने माफ नहीं किया तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। नहीं करता अल्लाह मियां ने माफ, अल्लाह मियां नहीं करता ऐसे बच्चों को माफ जो अपनी माँ को इस तरह तकलीफ और अज़ियत पहुंचाते हैं। क्यों कहा था घर छोड़ के, माँ ने नहीं सोचा थी, माँ ने मर जाना थी। पता ही नहीं चला मुझे क्या हो गया था। दिल कर रहा था कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं दूर चला जाओ, बहुत दूर। उस दिन भी सोचे समझे बगैर आधी रात को मैं घर से निकल गया, होश ही नहीं था मुझे, क्या कर रहा हूं, किधर जा रहा हूं, क्यों जा रहा हूं, कैसे जा रहा हूं। माँ सदके जाए, क्या हो गया है तुम्हें मुराद, आंखों के नीचे हल्के पड़ गए हैं। बात सुनो, कहीं नशों में तो नहीं पड़ गए हो? नहीं अम्मी। बस फिर जरूर तुझ पे किसी ने जादू टोना किया है मेरे बच्चे। कोई जादू टोना नहीं हुआ इसके ऊपर,
सब कुछ इसी का किया था। मारा मारनी तापे क्यों मारन रही है प्राणू? जायज फायदा उठाता है ना तो मेरी मोहब्बत का माँ माफ कर देती हूँ, इसलिए बार बार ताक करता है मुझे। पता है मुझे चल निकी जा नहीं जाके पैना फोन कर, क्या वो भी बेचारी दो दिन से नहीं सोई, उनकी तो जान है इसमें। जी मैं करती हूँ कॉल। मुराद भाई आप उठे जाके मुंह हाथ धो ले, मैं तब तक खाना लगा देती हूँ। माँ के पास बैठा हुआ बुरा लग रहा है तुम्हें? दो दिन से मेरी आंखें तरस गई है अपनी औलाद को देखने के लिए। बहने आएंगी ना तो उनसे मिलकर ही जाना है। चल मैं दो नफल पाला वा, आराम कर ले तू ना चिर थोड़ा जा। आए I don't understand. What is the problem? वो अपनी माँ को तो सिर्फ नहीं छोड़कर गया था ना, वो मुझे भी छोड़कर गया था। मैं कितनी परेशान थी, मुझे कितनी परवाह थी उसकी, मेरे दुख को उसने नजरअंदाज कर दिया। और अपनी माँ के पाँव वो किस बात के पड़ रहा है? सब किया धरा तो उन्हीं का है। तुम्हारी भी तो फिक्र कर रहा है बेवकूफ, मत पड़ो इस कंपैरिजन में। जरा समझदारी से काम लो मन्नत, मेरी बात सुनो। सबको पता चल गया कि तुम लोगों ने पसंद की शादी की है। मुराद की अम्मा को भी पता है कि वो तुम्हारी वजह से घर छोड़ के गया। जो होना था हो गया है। It's time to start over. नहीं ना भाभी, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। इतना मुश्किल भी नहीं है। मेरी बात सुनो, you haven't been on your honeymoon yet. और मुराद की छुट्टियां अभी भी बाकी हैं ना। मेरी ये एडवाइस है कि दोनों मियां बीवी कहीं घूमने फिरने चले जाओ। You'll spend time with each other, you'll get to understand each other. आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। कैसी हो? नाराज हो मुझसे? सॉरी यार। सॉरी? तुम्हें मैं लेने नहीं आ सका, अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर सका। बड़ी जल्दी नहीं माफ कर दिया आपने मुराद को? हमारी तो छोटी से छोटी गलती नहीं माफ करती। हाँ भाई, बेटा है ना, बेटे को तो सात खून माफ होते हैं। घर भी बेटा ही चलाता है, हम सब बोझ हैं उसके नातवा कंधों पर जो उसी ने उठाना है। अब मैं उसको माफ ना करती तो और क्या करती फिर है? आप ही अब मजीद जलती पर तेल ना डालें। खुदा खुदा करके तो हालात बेहतर हों। मन्नत से पंगा लेने का अंजाम देख लिया ना आपने, मुराद भाई घर छोड़कर चले गए। हाँ, अब मुराद बीवी वाला हो गया है, पहले जैसी बात नहीं रही। अब नहीं डांट सकती मैं, अब माँ जूते मारेगी तो दौड़कर बीवी की गोद में बैठ जाएगा। और अगर माँ गले लगाएगी तो बीवी जूते मारेगी, दोनों सूरतों में खाएगा तो जूते मुराद। पर माँ और बीवी की मोहब्बत की जंग में पलड़ा माँ का ही भारी होगा। बहू लाख मुश्किलियां दिखाए,
जीत माम तक ही होकर रहेगी। बाहर खाना लग गया, अगर 5 मिनट के अंदर अंदर आप दोनों खाने पर ना आए ना तो फजीलत आप ही ने फ्रिज को ताला लगा देना है, फिर सारी रात भूखे सोते रहना। चलो भाई चलो, उस पागल का पता भी कोई नहीं, पहले ही हमारी बुर्कियां गिनती रहती है। चल 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 चल, आ जाए अम्मी आप भी। आन मियां चलो तुसे। चले अम्मी आ जाए। जा तू जा, मैं आ रही हूं। मन्नत क्यों बिहेव कर रही हो यार ऐसे? मैं मानता हूँ कि गलती है मेरी, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, फिर मजबूरी थी मेरी। यार सॉरी कर तो रहा हूं मैं तुमसे। क्या सिर्फ सॉरी का लफ्ज रह गया है मेरे लिए? अच्छा बताओ मैं क्या करूं? पैर पड़ो मेरे। क्या कह रही हो? वही जो तुमने सुना, पैर पड़ के माफी मांगो। बिल्कुल वैसे ही जैसे नीचे अपनी माँ के पैर पड़ रहे थे। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या बचकाना बातें कर रही हो? मैं बचकाना बातें नहीं कर रही मुराद, तुम जैसे नीचे छोटे बच्चों की तरह अपनी माँ के पैर पकड़ के गिड़गिड़ा कर माफी मांग रहे थे ना, वो बचकाना था। या फिर वो क्या था, कोई बहुत मर्दानगी वाला काम कर रहे थे? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मेरा भी दिल दुखाया है तुमने। मेरे भी पैर पकड़ के माफी मांगो ना, या उसमें तुम्हें शर्म आती है? कोई तुम्हारी मर्दानगी को ठेस पहुंचती है? नीची रख के बात कर, वो मेरी माँ है। अगर मैंने उनके पांव पकड़ कर माफी मांगी है तो मुझे कोई शर्म नहीं है। और अगर वो तुम्हारी ये सारी बातें सुनेंगे तो क्या सोचेंगी? मेरे घर वाले क्या सोच रहे होंगे, जब तुमने मुझे लेने के लिए आना था मैं तुम्हारा इंतजार करती रही मुराद अपने घर में, और तुमने जानबूझकर अपना फोन ही बंद कर लिया। तुम्हारे घर वाले मेरे घर वालों का फोन नहीं उठा रहे थे। Can you imagine how embarrassing that was? मेरे भाइयों पर क्या गुजरी होगी अंदाजा भी है तुम्हें? अच्छा मैं मानता हूँ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें भी तो आदत है ना हर बात पर जिद लगाने की। अगर मैं नहीं आया तो क्या हो गया? तुम आ जाती अपने किसी भाई के साथ, गई भी तो अपनी मर्जी से थी ना तुम, किसी ने जाने पर मजबूर तो नहीं किया था, घर से निकाला तो नहीं था। इतनी सी बात और इतना सा इशू होता है जिसे तुम औरतें फैला कर ना इतना बड़ा कर देती हो। नहीं ये इतनी सी बात नहीं है, ये छोटा सा इशू नहीं है मुराद, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुमने मुड़कर खबर नहीं ली कि मैं ठीक हूँ या नहीं। कोई हैसियत कोई इज्जत है मेरी इस घर में? हाँ है, बिल्कुल है। मेरे दिल से पूछो, इसे पूछो क्या हैसियत है तुम्हारी? मेरी जान की छोटी छोटी तुम्हारे दिल में जगह नहीं चाहिए, मुझे इस घर में इज्जत चाहिए, वो हैसियत चाहिए जो एक बहू की एक बीवी का हक होता है। हक हैसियत इज्जत बस यही रागल आपती रहना तुम, मेरी मोहब्बत की कदर ना करना। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं यार, तुमसे अच्छी तो मेरी माँ है जिसने मुझे इतनी बड़ी गलती के बाद गले लगाकर माफ कर दिया। जब से कमरे में आओ लड़े जा रही हो, एक दफा भी तुमने नहीं मुझसे पूछा कि कहां पर थे, किस हाल में थे और किसकी वजह से थे। मुराद तुम जहां भी थे जिस हाल में भी थे, कम से कम मेरी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं थे। अम्मी भाई के कमरे से मुसलसल शोर की आवाजें सुनाई दे रही हैं। लगता है भाई और भाभी लड़ रहे हैं ऊपर। भाई तो बहुत ऊंचा बोल रहे हैं और भाभी क्या? भाभी तुमसे भी ऊंचा बोल रही है। हाय मैं मार गई, ऐस मुंडे ने रन मरीद ने चौधरियां दी नाक कटानी है, इसी ने उसको इतनी ढील दे रखी है। मैं जरा सा भी ऊंचा बोलती थी ना तो बड़े चौधरी साहब सराहना उठाते थे और बाहर निकल जाते थे कमरे से फौरन। अम्मी अब मैं यहां सो जाऊं, काफी दिन आपसे दूर रहा हूं, उदास हो गया हूं, तो आपके पास सो जाऊं? मां सदके जायनी उठ नहीं ता, आ जा मेरा लाल मेरा बच्चा, मां सदके मां वारी, आ जा मेरा पुत्र, आ जा। कोट ना
नहीं मेरा बाऊ, सुकून मिल रहा है? उसे इतनी नफरत है कि मैं उसे जान से मार दूं, लेकिन अपना बच्चा उसके पास किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। एक बार मायरा से सुलह हो जाने दो, उसे एक एक पैसा वापस निकलवाऊंगा और एक एक बात का बदला भी लूंगा। मेरा अकलौता बेटा है और वो भी कुंवारा। मैं आपकी बेटी से अपने बेटे की शादी हरगिज नहीं करूंगी। लेकिन मैं शादी शरिया से ही करूंगा। वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, ठीक है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, अपना बच्चा किसी कीमत पर मायरा के पास नहीं रहने दूंगा। और मैं अपना बच्चा किसी भी कीमत पे तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। मेरा बच्चा मेरे नाम के साथ पैदा होगा और मरते दम तक उसका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा रहेगा। पिंकी, अपने मुराद मामू को देखा है? जी, वो नाना घर होंगे। अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसे को दिया करो, जो दुनिया का मालक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह। सो जा मेरा पुत्र। अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। मुझे समझ में नहीं आता, जब माएं और बहनें अपने भाई और बेटे को शेयर नहीं कर सकती तो क्यों किसी और की बेटी के साथ उसकी शादी करवा के उसकी जिंदगी बर्बाद करती हैं? तो बीवियों के कौन से बड़े दिल होते हैं? तुम भी तो अपने हस्बैंड को प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ के उस पर कब्जा जमा लेती हो। अरे मर्द सिर्फ शोहर थोड़ी है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का मामू, किसी का चाचू, किसी का खालू है। ये! अच्छा, और हम औरतें, हम अपने भाई बहन माँ बाप रिश्तेदार सबको छोड़ के नए खानदान में एडजस्ट करते हैं और उनको एक्सेप्ट करते हैं। हम औरतों के दिल ना बहुत बड़े होते हैं। ये! तो ये इतना बड़ा दिल इतना छोटा सा क्यों हो जाता है जब एक आदत बेटे की माँ बन जाती है? ये क्या बात! और अपने भाई के लिए भाभी ब्याह कर लाती है। असल में ना तुम औरतों में बर्दाश्त ही नहीं है। अरे मर्द बेचारा वैसे ही बदनाम है। इसका ख्याल रखो, उसका ख्याल रखो, इसकी जिम्मेदारी पूरी करो, उसकी जिम्मेदारी पूरी करो। अरे इन औरतों की लड़ाई में बेचारा मर जाए तो कहाँ जाए? कहीं ना जाए, लेकिन शादी के बाद अपनी बीवी को हनीमून पे तो लेके जा सकता है? एक बीवी का इतना हक तो है कि अपने शौहर के साथ वक्त गुजारे, और ऐसा वक्त जिसमें ना ही सास हो, ना ही नंद और ना ही नंद के बच्चे। अजरा, मैं तो सिर्फ बात कर रहा था। अजरा बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुराद को मन्नत की ख्वाहिश तो पूरी करनी चाहिए। तुम पूरी करोगे? यार हम तो अभी से सारे के सारे आपके हैं। बताओ तुम्हें कहाँ जाना है? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, कहाँ की टिकट बुक करूँ? एक हफ्ते से ना मुझे शॉपिंग पे जाना है, वो तो तुम ले जा नहीं पा रहे हो। लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क की बातें करनी तो आज जाएंगे ना।
भाभी भाभी मैं आ जाऊं? आ जाओ। थैंक यू। और 10 बज गए, मैंने सोचा चेक कर लूं, अगर आप उठ गई हैं तो आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। क्या खाएंगी? मुराद कहाँ है? अब तो सुबह सुबह ही नुजरत आप ही को घर ड्रॉप करने चले गए। वो रात से पिंकी के गले में दर्द है ना, तो रास्ते में डॉक्टर को दिखाते हुए जाएंगे। मुझे बताओ, तुम्हारी बहन के शौहर नहीं है? हाँ है। तो फिर मुराद की जिम्मेदारी क्यों है उनके बच्चों को हॉस्पिटल लेकर जाने की? शौकत भाई किसी काम के होते तो नुजरत आपकी की सारी जिम्मेदारी मुराद भाई को ना उठानी पड़ती। नुजरत आपकी की शौकत भाई से शादी कराकर अम्मी ने सारी मुसीबत मुराद भाई के गले में डाल दी। भाभी आप प्लीज मुराद भाई से नाराज ना हो, उसे लड़ाई ना करें, उनका कोई कसूर नहीं है। कसूर तो सारा मेरा है जो उसके वादों पर एतबार कर लेती हूँ। वो मजबूर थे इसलिए आपको लेने नहीं आ सके। अम्मी ने आपकी तरफ जाने से रोकने पर कसम दिलवाई थी उन्हें। वो आपके गुस्से से भी बहुत डरते हैं, तभी तो बात भी कर रहे हैं आपसे। और वो कहते हैं ना कि इंसान उसी से डरता है जिससे वो प्यार करता है, उसकी नाराजगी से डरता है। वो आपसे और अम्मी से दोनों से बहुत प्यार करते हैं, आप दोनों को नाराज नहीं करना चाहते। तुम्हारा भाई अगर मुझसे प्यार करता होता ना, तो उसे मेरी नाराजगी की परवाह होती। आपको नहीं पता, आपकी खातिर उन्होंने अम्मी को कई बार नाराज किया। रियली? हाँ ना, तो देखें घर छोड़कर चले गए क्योंकि अम्मी ने कहा था कि मुराद भाई आपको तलाक दे दे। वो डर गए थे कि कहीं अम्मी कुरान सामने रखकर कसम ना दिलवा दें, इसलिए बगैर बताए गायब हो गए। और तब आए जब अम्मी सरेंडर कर गई थी, डर गई थी कि कहीं वो अपने बेटे को ना खो दें। तलाक? तुम्हारी अम्मी ये चाहती है कि मेरी और मुराद की तलाक हो जाए? भाभी प्लीज ये बात किसी को नहीं बताइएगा, प्लीज 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 भाभी। उन्होंने ऐसा सोचा भी कैसे? सिर्फ इसलिए कि मैं और मुराद शादी से पहले से एक दूसरे को पसंद करते थे? हाँ, अम्मी को लगता है कि आप मुराद भाई को हम सबसे छीन लेंगे। पागल है क्या वो? भाभी मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने तो आपको उसी दिन भाभी मान लिया था जब आप पहली दफा मुझे मिली थी, हम पहली दफा आपके घर आए थे। भाभी मुझे लगता है कि इस घर को, मुराद भाई को हमेशा से आपकी जरूरत। प्लीज अम्मी की वजह से या किसी और की वजह से मुराद भाई से दिल बुरा मत करें, वो बहुत अच्छे हैं। भैया आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, बस ऐसे ही सुबह से कुछ सुस्ती महसूस कर रहे हैं। कुछ खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं तो ऐसा ही होगा ना? दिल नहीं मान रहा तो क्या करें, तुम्हारे कहने पे जबरदस्ती ठूस लें खा लें, क्या करें? जिंदगी गुजारने के लिए खाना पीना तो पड़ेगा। कब तक आप खुद को ऐसे ही कमरे में बंद रखेंगे? अच्छा एक काम करते हैं, आज मेरे साथ आप शॉप पे चले, पता है आपके ना होने की वजह से बहुत सारे काम रुके हुए हैं वहां पे। अब तुम मुझे फोर्स करोगे आदिल? हमारी मर्जी है हम जाएं या ना जाएं, इतने सालों से मेहनत कर रहे गधे की तरह जुते हुए, नहीं एहसास था किसी को? दो चार दिन आराम कर लिया वो भी खटकने लगा तुम लोगों को? इस घर में किसी को हमारा आराम बर्दाश्त नहीं है। भैया मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ, दुश्मन तो नहीं हूँ आपका। हाँ तो दोस्त भी तो कोई नहीं है हमारा, हमदर्द नहीं हमारा इस घर में। बच्ची थी वो भी छोड़ के चली गई, हमारी भूल गई हमें,
गई अपने बड़े भैया को, उगली था हमके एक एक कदम छाया, कांधे में बिठा के दुनिया दिखाई और भूल गई अपने बड़े भैया को। एहसास भूल गए हम तो, भूल गए, भूल गए। दिन ब दिन चिड़चिड़े होते जा रहे हैं भैया। जब से मन्नत और मुराद की लव मैरिज का पता चला है, इनका मूड बहुत बिगड़ गया है। अभी भी मन्नत को याद कर रहे हैं। तुम कोई बात ना करना उनसे जाके, हो सकता है कोई सख्त बात कह रहे हैं। आदर मेरा ख्याल है किसी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कर रहे थे, शायद डिप्रेशन। नहीं, मसला डिप्रेशन का नहीं है, मसला अना का है। मन्नत की जिंदगी में मुराद की प्रेजेंस बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं भैया। वो सोच भी नहीं सकते कि मन्नत की जिंदगी में उनसे ज्यादा अहमियत किसी और की भी हो सकती है। क्या चाहिए? कुछ भी, कुछ भी खाने को। बना रही हूँ। क्या बना रही हैं? जो पकेगा वो खाना पड़ेगा, ऑप्शन तो कोई है नहीं, तो मेन्यू पूछने का फायदा। सही, ये भी ठीक कहा आपने। तबीयत कैसी है अब आपकी? क्या हुआ मेरी तबीयत को? नहीं, वो हमारी मेहंदी वाले दिन आपकी तबीयत। नहीं, तुम कहना क्या चाहते? पागल हूँ मैं, दिमाग खराब है मेरा, तुम्हारे और मुराद के सर के ऊपर बोझ हूँ मैं? क्या कहना चाह रही हो? अरे चली जाओगी शादी होके, पागल नहीं हूँ मैं। अरे बोझ नहीं हूँ मैं किसी के सर पे, छोड़ दे, पागल नहीं हूँ मैं। पागल कह रही है मुझे? मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, ये मुझे पागल कह रही है, मैं पागल नहीं हूँ। नहीं 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 नहीं, आप मुराद आ गया जी, फजीलत आप ही को हॉस्पिटल लेकर हूँ। भाभी प्लीज नीचे मत आइएगा, अम्मी बहुत गुस्से। निकी, I'm really sorry, मैंने सिर्फ फजीलत आप ही से उनकी तबीयत का पूछा था और कुछ भी नहीं। I understand.
फीस लेने वाले तमाम स्कूलों पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म लागू है। हमने फीसों में कमी का कहा तो इंतजामिया ने स्कूल बंद करने शुरू कर दिए। शदीद धुंध के बाद पेशावर से रशकई तक M1 मोटरवे बंद कर दी गई। पेशावर से इस्लामाबाद तक मोटरवे धुंध में कमी के बाद खोल दी गई। ऐसा क्या हो गया वहां पे जो इतनी जल्दी वापस आ गई तू? तो क्या करती, इतरत जो आई हुई थी वहां पे सामान उठा के कह लिया ना 2 दिन। नहीं, इतरत आई हुई थी तो तू क्यों वापस आ गई? क्या करती, मैं भी वहां जाके पड़ जाती। और मैं कौन सा तेरे पे बोझ हूं? घर का सारा खर्च तो मेरा भाई उठाता है, तेरे पेट में क्यों मरोड़ उठ रहे हैं? फुप्पो जी के घर की कीमत का अंदाजा नहीं है तुझे, पता चल जाए ना होश उड़ जाएंगे तेरे। मेरी माँ अभी जिंदा है, खबरदार करके इससे की बात की आइंदा से मेरे सामने तू। और मेरा भाई तेरी तरह बदीद नहीं है, अल्लाह ना करे मेरी माँ को कुछ हो गया तो दे देगा बहनों को उसके हिस्से। भाई तुम्हारा सगा हुआ करता था, अब हो गया है वो बीवी को प्यारा। 2 महीने के अंदर अंदर वो घर अपने नाम करवा के छोड़ेगी, देख लेना। नहीं तुम्हें क्या लगता है मैडम जी की ऐसी आनियां जानियां लगी हुई हैं, मायके से ससुराल, ससुराल से मायके से ससुराल, और ये सब तौर तरीके हैं शौहर पर दबाव डालने के, देख लेना। एक एक कर अपने सारे मुतालबात पूरे कराएगी। वो ऐसे क्या देख रही हो, कम अज कम पिंकी के मुस्तकबिल के बारे में ही सोच लो। ये बेटा तो हमारा है नहीं जो बुढ़ापे में सहारा बने, और मैं अपनी सारी जायदाद तो लुटा चुका। कम अज कम तू ही होश के नाखून ले ले। क्या करूं, अम्मी से हिस्से की बात करके झगड़ा करूं? ना 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 बेगम जी, झगड़े का जमाना हो गया पुराना, तुम कब्जा करो। कब्जा? वो जिस तरह इतरत आकर बैठ गई है ठीक उसी तरह तू भी जाकर बैठ जा। इतरत तो इसलिए आई है कि फैसल इस्लामाबाद जा रहा है। बहाने बाजी है सब। ये दोनों मियां बीबी तेरी सोच से ज्यादा चलाक हैं। ये बाहर का बंदा तेरे बाप की मेहनत से कमाई हुई जायदाद पे कब्जा करके बैठ जाएगा, और तुम सारे के सारे ना हाथ मलते बैठ जाओगे।